यो देखो बैठ। चिरमिरी यहाँ क्या कर रही है? ये है कौन? अरे दादी बात बाद में करिए, पहले इससे पूछ तो, यो है कौन? मैं भी वही पूछ रही हूँ। अरे तू है कौन और तूने कपड़े क्या पहने? मैं जानता हूँ इसे। ये पागल है जी। इसके कपड़े देखकर आपको समझ ना आया? पता नहीं कहां से उठा लाए ये कपड़े। आज ही पागल खाने से भाग गई थी। मैं पागल नहीं हूं। देखो जी, हमें तो हमारे डॉक्टर गोका सरदार ने कहा है कि तुम्हें अपने साथ लेकर आए। वो बहुत याद कर रहे हो तुम्हें और उन्होंने आपको गोगो करने के लिए कहा है। चलो वरना वो भी आ जाएंगे। इच्छा बेटी अपना ख्याल रखना। तू जानती है इसे? अब नहीं जी, वो तो कह रही थी कि अच्छा बेटी अपना अपने घर वालों का ख्याल रखना। हम चलते हैं जी, चलो। दादी या तो चोर ना निकली, पोटली की तरफ भी ना गई। ये छोरी तो रसोई में कुछ ढूंढ रही थी। दूध? तू रसोई में दूध पीने गई थी? मुझे दूध बहुत पसंद है। देखा, ये तो दूध पीने के लिए गई थी और हम सब ने इसको चोर समझ लिया। दया करो इस पे, घर पे रहने दो इसने जब तक इसकी याददाश्त ना आती। अरे दादी 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 मैं क्यों हूँ, इसने घर पे रहने दो। बच्चे इसने भी तो यही कहा। माँ तब तक यही रहने दे, इसमें अपना नुकसान क्या है? दूध का नुकसान है बस, ये रोज रात को दूध पी जाया करेगी। अरे कम से कम दूध में जहर तो ना मिलाएगी। अब तो ये चोरनी भी ना है। दादी इच्छा को घर में रहने दो ना थोड़े दिन। ए दादी 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 बता दे के लिखूं? लिख, इच्छा यही रहेगी। पिताजी, इच्छा की सोच ही गलत है। इंसान हमारे दोस्त कभी बन ही नहीं सकते। वो हमेशा हमारे बारे में गलत ही सोचते हैं। अरे हमें मुहावरे बना देते हैं। आस्तीन का सांप, सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे उन्हें सांप से ज्यादा अपनी लाठी की फिक्र है। उन्हीं मुहावरों को तो बदलने गई है इच्छा। उनके उसी डर की लाठी को तोड़ने गई है वो, और हमारा फर्ज है कि हम उसका साथ दें, ना कि उसके इरादों को डसें। आइंदा से तुम इच्छा के रास्ते में नहीं आओगी, समझी? जी पिताजी। जय नागो मी देव। जय नागो मी देव। इच्छा की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन हाँ इस बार मैं कोई गलती भी नहीं करूंगी। दादी ने कितना अच्छा मेहमान खाना दिया है। तो कलिया, लेकिन कपड़े। ये नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, ये भी नहीं। हाँ, इसका रंग अच्छा है, लेकिन बब्बल जी को अच्छा लगेगा या नहीं? इसमें देख के तो मुझे सब पसंद करेंगे। ए छोरे, दादी कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने बेवकूफ ना बना, जब तू बैग ना लाई तो ये कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? ओ मैडम दरवाजा खोलो, दादी बुला रही है। मुझे जल्दी से कपड़े बदलने पड़ेंगे। मैंने कौन से कपड़े पहने थे? हे नागो मी देव, ये कपड़े तो नहीं थे। हे नागो मी देव, ये भी नहीं था। क्या पहना था मैंने? ओ मैडम दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? अरे क्या हुआ छोटे भैया? पता नहीं, दरवाजा नहीं खुल रही। अच्छा हट जरा। ये भी नहीं था। हाय, अब मैं क्या करूं? क्या दरवाजा ना खोल रही? तो मैंने इंग्लिश में बोला आपको। अरे मैं क्या इंग्लिश में बताऊंगा कि जब दरवाजा ना खोले तो तोड़ देना चाहिए। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी होती है। अरे हर जगह उंगली करने की जरूरत ना है, घी गर्म कर लो। हाँ मेरी चाय लेके आओ। अरे बावले, फिर से कड़ी तोड़ दी तूने। ए छोरी, तू क्यों हंस रही है? चल बाहर, तेरे लिए डॉक्टर बुलाया है, वो तेरे बारे में सब कुछ बता देगा, तुझे सम्मोहित करके। सम्मोहित करके? मैं यहाँ पेशेंट को हिप्नोटाइज करके यानी कि सम्मोहित करके पूरी जानकारी ले लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्यों है? अरे अभी तो बताया मैंने, आपके घर में जो लड़की है ना, उसका इलाज करने आया हूं मैं। आप क्या भूल जाते हो? अंतर्यामी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, भूलने की बीमारी है मुझे। ओह, कब से है आपको ये बीमारी? कौन सी बीमारी? ये छोरी हट, इसकी याददाश्त चली गई है, इसका इलाज करना है। इसका सम्मोहन चल गया तो इस घर से मेरी चल चल हो जाएगी। बेटी, इसे ध्यान से देखो। मेरी आंखों में देखो, इसमें तुम्हारा बीता हुआ कल नजर आएगा। अंतर्यामी जी, कल ये यहीं थी, परसों का पता कर। लाग गया है, इच्छा सम्मोहित होगी है। डॉक्टर इससे पूछ के ये कौन है? कौन हो तुम? क्या बोलूं? पता नहीं। इसे नहीं पता तो किसे पता है? अरे नाम अता पता कुछ तो बताइए। डॉक्टर पी के बंसल, सदर बाजार, 76 डेयरी के पास। मैं तेरा नाम पूछ रही हूँ डॉक्टर, इसका पूछ रही हूँ जिसको तूने अपने वश में किया है। कुछ तो बता। तुम कुछ बताना चाहती हो? नहीं, नहीं बताना चाहती। ए भाई डॉक्टर, जब तेरे बस में कुछ नहीं है तो आया क्यों था? मैं क्यों आया था? वो सब छोड़ो, जाओ यहाँ से। वो छोड़ो, मैं जा रहा हूं यहां से। मैं क्यों जा रहा हूं यहां से? ये तेरा घर ना है ना, इस खातिर जा रहा तू। बेचारा डॉक्टर, इसकी भी याददाश्त ठीक ना लग रही है। इलाज करवाना है ना। इसकी कोई जरूरत ना है। प्रबल, घर का दरवाजा दिखा दे डॉक्टर को। दादी, मैं डॉक्टर ने घर का दरवाजा दिखा दूं? अरे मैंने भी तो यही कहा, घर का दरवाजा दिखा दे। हाँ दादी, चल। एक मिनट जा, यो लेके जा। दे दे इसका यो, पकड़। इच्छा अपनी सम्मोहन शक्ति से इन लोगों को अपने वश में नहीं कर सकती क्या, जैसे उस डॉक्टर को किया था? नहीं, सम्मोहन का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब कोई आपका बुरा करना चाहता है, और वैसे भी सम्मोहन का असर केवल दिमाग पर होता है, दिल पर नहीं। और हमारी इच्छा तो इंसानों का दिल वश में करने गई है, उनका दिल जीतने गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छा अपने इस मकसद में जरूर कामयाब होगी। कुछ याद आया? नहीं दादी। दादी, इसने बादाम वाला दूध पिलाते हैं, उससे याददाश्त वापस आ जावे है। कोई मुझे याद दिलाएगा कि ये क्या भूल गई है जिसे याद कराना है? भूल भुलैया, अपनी लाल डायरी निकाल के देख। और छोरे, तो आंखें बंद कर ध्यान कर, हो सकता है तुझे तेरा नाम याद आ जावे। इसने बादाम वाला दूध पिलाते हैं। पूरा घर वालों के नाम भूल गई से, कल को सांस लेना भूल जाएगी, और फिर पुलिस आएगी घर में और हमें जेल में ले जाएगी, और जेल में मच्छर होते हैं और वो काटेंगे। और रुको 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 रुको, मैं मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती लेकर आती हूँ। इसने बादाम वाला दूध पिलाते हैं। कोई ममता दीदी की भी बात सुन लो। ममता, जाके दूध लेकर आ, बादाम वाला लाना। ठीक है दादी। भोलू सिंह, जिटिया अखाड़े का नाम तो सुना ही होगा, गर्दन तोड़ अखाड़ा। वहीं से आपके घर के सबसे छोटे पहलवान के साथ हमारे अखाड़े के सबसे नए पहलवान तूफान सिंह के साथ कुश्ती का चैलेंज है। हाँ तो फिर आप देखो भाई जी, मुझे कुश्ती करने का ऐसा कोई खास शौक नहीं है। चाचू, सबसे छोटा पहलवान तो मैं हूँ। ठीक है, चैलेंज स्वीकार है। कब लड़ेगा? अभी या शाम को? अरे छोटे, मेरे लंगोट के बराबर तो आजा। चैलेंज आया तो वापस नहीं जावेगा। कुश्ती होगी और आज ही होगी, और यही होगी। हाँ, जा जाकर कह दे तूफान से, भवंडर का सामना करने को तैयार हो जाए। जा। बब्बल, अभी तो तू कह रहा तुझे शौक ना है, और अभी बाबूजी शौक ना है, लेकिन जरूरत के वक्त पीछे थोड़ी हटूंगा मैं। उसने अपू का मजाक उड़ाया, मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। वाह, जियो मेरे शेर। तो फिर चल अखाड़े में। चल अखाड़े में? क्यों? पता नहीं। चल। ये सही मौका है, आज यहाँ लोग कुश्ती में मगन होंगे और मैं बाहर जाकर लोगों का दिल जीतने का काम आसानी से करके वापस आ जाऊंगी। तू ध्यान कर। दादी जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं प्लीज। ठीक है, जा। साथिया, साथिया। साथिया 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 मेरे साथिया। मैं तेरी तू है मेरा एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा एक दूजे के है हम। जंग इरादों से ही जीती जाती है। तुम देख लेना, हमारी इच्छा नागिस्तान में एक मिसाल कायम करेगी, सब लोगों के दिल पर राज करेगी। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं जो इच्छा के बिना सूना हो गया है। एक वो दिन था जब इच्छा हमारे बिना एक कदम भी नहीं रखती थी, और आज इतना बड़ा कदम उठा लिया है। मैं तो नागो मी देव से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि इच्छा अपने मकसद में कामयाब हो, ठीक मेरी सिद्धियों की तरह अपने अचूक लक्ष्य को पाए। आपकी सिद्धियां सिद्धियां कम, मुसीबत की सीढ़ियां ज्यादा है। देख लेना, हमारी इच्छा के इस अभियान में मेरी सिद्धियां उसकी सबसे ज्यादा मदद करेंगी। नागो मी देव ऐसा दिन कभी न दिखाए कि इच्छा को आपकी सिद्धियों की जरूरत पड़े। मैं उसकी मदद रात को कर दूंगा। देख बब्बल, याद रखिए जब वो तने ऐसे पकड़े हैं, तो उसकी टांग ऐसे पकड़ के और पटका दिए साले ने नीचे हैं। अरे इसकी कड़ी तो टूटी हुई है। अगर दरवाजा बंद नहीं होगा तो मैं बाहर कैसे निकलूंगी, और बाहर निकलते हुए किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्या करूं। ओम जगड़म प्रतम श्रीग्राम अधि श्रीग्राम विद्या गिला प्रकटम प्रकटम गोंदिला। इच्छा बोलो क्या चिपकाना है। देखो ना गोंदिला, ये दरवाजा नहीं बंद हो रहा। अरे चिंता मत करो, गोंदिला ऐसा जोड़ लगाएगा कि अच्छे से भी अच्छा उसे तोड़ नहीं पाएगा। रुको, हो गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे मुखिया जी का मटका भी चिपकाना है। इच्छा अपने पहले अभियान पर है, नागो मी देव उसे सफल करें। रुक जा बेटी चिरमिरी, इच्छा को हमारे दुआओं की जरूरत है। ए छोरी, थारे सर के दर्द के लिए काढ़ा लाई हूँ, दरवाजा खोल और पी ले। छोरी दरवाजा खोल, ओ छोरी ये काढ़ा पी ले। कौन सा सांप सूंघ गया इसे। प्रबल, अरे सबल, छोरी दरवाजा ना खोल रही है, आके खोल दे। हाँ अरे अरे गन्ना तोड़ेगा के सबल, किसी चीज से तोड़ दे। अरे बावले चप्पल से तोड़ेगा के, अरे कभी तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल कर ले। ये करे ये माता रानी। अखाड़ा है। नागो मी देव की मूर्ति। ये नागो मी देव तेरी सपोली की रक्षा करना। यहाँ इच्छाधारी भी रहते। रुक जा इच्छा। लगता है इच्छा किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। शुभ शुभ बोल, वरना तेरे जहर के चारों दांत तोड़ दूंगा मैं। पर हमारे जहर के तो सिर्फ 2 दांत होते हैं। मुझे पता था तू भी बीच में बोलेगा, इसलिए 2 दांत तेरे भी गिन लिए थे। दादी, इच्छा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में ना है तो ये छोरी गई कहाँ? और ये कमरे में से निकली तो हमको क्यों नहीं दिखाई दी? ये छोरी के पीछे जरूर कोई राज है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.